कितना लंबा ये मार्लिन फिश है, मार्लिन बहुत ही लंबा है। बहुत ही लंबा है, इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। अब इधर दलारी ये देखिए यहाँ पर सवार है, देख सकते हैं। देखिए दो दो बड़े बड़े मार्लिन फिश उसके अंदर। यहाँ पर दो मार्लिन फिश हैं जो बहुत ही लंबे हैं। देखिए ड्राई फिश का ढेर सब लगा हुआ है। ड्राई फिश मार्केट देख सकते होंगे, इतने सारे ड्राई फिश हैं। यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, मैं आज दिखाऊंगा कितने गंदे तरीके से पड़ा हुआ है और लोग इसी को फिर से खाते हैं। ड्राई फिश का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। చెప్పు బోలమ్మా हर जगह मंदी है। ये देखिए यहाँ सुखाया गया है, पर देखिए पैकिंग हो चुका है बहुत सी जगह में। सब पार्सल होगा और कीमत भी अच्छा खासा है यहाँ पर। लोग खाने वाले खाते हैं, देखिए
नहीं लगता इसको खाना सेहत के लिए सही है, क्योंकि बहुत ही गंदे तरीके से इसको रखा जाता है और सुखाया जाता है और पचाया जाता है। देखिए सड़क के ऊपर ऐसा बना हुआ है और बहुत ही गंदे तरीके से सुखाया गया है। और आगे चल के देखते हैं कितने किस्म के सूखे हैं। बंगाली लोग इसको ज़्यादा खाते हैं। यहाँ से देखिए सब पार्सल हो रहा है। इसके ऊपर भी जो है सुखा दिए। नमस्ते भाई।
यहाँ देखिए पैकिंग चल रहा है। आज आया हूँ भाईजर फिशिंग हार्बर, देखते हैं आज कौन कौन सी मछलियाँ देखने को मिलती हैं। यह सारा बोट शिप यहाँ पर सब फिशिंग बोट सब खड़ा हुआ है। चौड़ी मछली है देखते हैं आगे चलते हैं। पहले यहाँ पर बिकता था, अभी यहाँ का काम चल रहा है।
ये ड्राई फिश मार्केट है, ये पूरा ड्राई फिश मार्केट है। कितनी बड़ी हो रही कुछ खास मछली सब आए नहीं अभी तक। ये सब जो पहले के मारे हुए हैं सब है। ये सब ड्राई फिश है सुपर मार्केट। इतना सारा सब सब यहाँ से पार्सल होता है। अच्छा यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। Hey